हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास किचन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ तिल गुड़ के टेस्टी लड्डू। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। शुरू करते हैं इस टेस्टी से तिल गुड़ की रेसिपी को। तिल गुड़ मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मूंगफली, 1.5 कप चाहिए हमें ये गुड़, तो इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। 1 चम्मच लिया है देसी घी और 1 कप लेंगे हम तिल। सबसे पहले एक कढ़ाई रख ली है और उसमें हम 1 कप तिल डाल देंगे और तिल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ऐसे हल्का कलर चेंज होने तक, यानी कि तिल के अच्छे से फूल जाने तक इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल हमारे देखिए भुन गए हैं और ये थोड़े फूल भी गए हैं और इसका देखिए हल्का कलर चेंज भी हो गया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकाल के इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। इस तरह से फैला देंगे, हमारे ठंडे हो गए हैं तो इसमें से हम थोड़े से तिल बचा लेंगे साबुत और बाकी के तिल को हम दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। तो इन तिलों को मैं दरदरा पीस लेती हूँ, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में हमें इसे नहीं करना, बस दरदरा पीसना है। देखिए तिल को मैंने दरदरा पीस लिया है और देखिए ये इस तरह से है एकदम दरदरा। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इधर देखिए हमारी मूंगफली भी ठंडी हो गई है तो मूंगफली को हम इस तरह से हाथ से इसके छिलका निकाल देंगे सारे। देखिए मूंगफली को रगड़ के मैंने इसका सारा छिलका निकाल दिया है, कुछ छान के कुछ पटक के, तो सारा कूड़ा इसमें से निकल गया है। तो इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली भी हमारी देखिए दरदरी पीस चुकी है। देखिए गुड़ को मैंने इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लिया है, आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। तो ये 1.5 कप गुड़ है। तो इधर चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो 1.5 कप गुड़ डाल देंगे। तो जितना हमने तिल और मूंगफली ली है हमें उतने ही गुड़ की आवश्यकता होगी। तो गुड़ को डाल के इसे मुझे इसको मेल्ट करना है। तो इसको हम इस तरह से दबाते हुए इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो गुड़ को इस तरह से तोड़ते जाएं। देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है और इसे हम इसी तरह से दबाते हुए अच्छे से तोड़ लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो देखिए चाशनी हमारी बनके तैयार है और एकदम अच्छे से बन गई है। तो अब मैं इसे आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो एक कटोरी में पानी ले लिया है तो इसमें से हम थोड़ा सा चाशनी इसमें डाल के देखेंगे। तो इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए गुड़ हमारा पानी में अच्छे से एकदम बाउल की शेप में आ रहा है। तो बस हमें इतनी चाशनी बनानी है। तो देखिए चाशनी हमारी तैयार है। तो इसमें हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देते हैं तो जिससे हमारे जो लड्डू हैं अच्छे बनेंगे, एकदम भुरभुरे बनेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते ही इसमें हम देखिए इस जो हमने तिल पीस के रखे हैं इसे डाल लेंगे, मिला लेंगे। और तिल को मिल जाने के बाद इसमें हम मूंगफली भी ऐड कर देंगे। मूंगफली दरदरी पीस के रखी है इसे भी डाल लेते हैं। जो कुछ साबुत तिल बचाए थे तो इसको भी डाल लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे आपको जल्दी जल्दी करना है वरना जो हमारी चाशनी है जम जाएगी। अगर आपकी चाशनी जम जाती है तो फिर से थोड़ी देर गैस जला लीजिए। तो देखिए इस मिक्सर को मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। देखिए जैसे ही हमारा मिक्सर हल्का छूने लायक हो जाएगा तो देखिए हम इसको चम्मच से इस तरह से पोर्शन में बांट देंगे जिससे हमें लड्डू बनाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए इधर मैंने बाउल में पानी ले लिया है तो ये पानी को हम अपने हाथों से लगा लेंगे जिससे हमारे हाथ जलेंगे नहीं। और एक एक पोर्शन उठा के इसको इस तरह से लड्डू का शेप दे देंगे। तो इस प्रोसीजर को आपको बहुत ही जल्दी करना है। तो देखिए लड्डू हमारा एक बन गया। इसी तरह से सभी लड्डू को हम बना लेंगे। इस तरह से प्लेट में रखती जाऊंगी। तिल गुड़ के लड्डू बनके हमारे तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू।